हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रक्रिया एकेडमी। अब जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, पिछले लेक्चर में हम अपना जो पहला चैप्टर है वो क्या कर सकते हैं, फिश स्ट्रैटिफिकेशन, उसका नाम था एनिमल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब क्या करना है कि एनिमल रिप्रोडक्शन का मैं ऐसा करूंगा कि क्या नाम है आपको आज या कल क्या करूंगा, एक नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसको क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब आज हम अपना नया स्टार्ट करेंगे चैप्टर, जिसका नाम हो क्या सेल एंड स्ट्रक्चर। क्या है सेल एंड स्ट्रक्चर? ठीक है, ये नया चैप्टर है 8th क्लास का, साइंस का। ठीक है, और 8th चैप्टर। ठीक है, चलिए करते हैं सेल एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सबसे पहले बात देखते हैं कि सेल है। ठीक है, क्या है सेल है, तो सेल होती क्या है। ठीक है, तो सेल एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल क्या होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कौन होता है, सेल। ठीक है, आप देखो स्ट्रक्चर को मैं क्या है, भाई स्ट्रक्चर कैसे होती है। ठीक है, तो जैसा कि क्या नाम है, आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे जब मकान बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, घर बनते हैं, मकान बनाते हैं, तो क्या होता है कि क्या नाम है, सबसे जो छोटी चीज होती है, कौन सी ज्यादा रिक्वायर होती है, ब्रिक्स। क्या होती है, ब्रिक्स होती है। ठीक है, अब वो ब्रिक्स है, ठीक है, तो ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स क्या होता है, सबसे छोटी चीज होती है, जो होती है ना उसी तरीके से, क्या नाम है, जो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बड़ा घर बना दिया जाता है, उसी प्रकार क्या नाम है, छोटी छोटी सेल मिलकर क्या बना देते हैं, छोटी छोटी सेल मिलकर क्या बना देते हैं, बुरी बॉडी बन जाती है, बुरी बॉडी बन जाती है। तो मतलब स्ट्रक्चर यूनिट है, क्या है स्ट्रक्चर, मतलब ये दिखती है, और इसको क्या करेंगे हम, ये छोटी छोटी मिलकर क्या बनाते हैं, पूरी बड़ी बॉडी बना देती है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर यूनिट, क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर यूनिट। ठीक है, अब हम फंक्शनल क्या है, फंक्शनल का अर्थ ये है बॉडी के अंदर वो छोटी यूनिट, वो सबसे छोटी यूनिट जो खुद का काम खुद करती है, तो उसे बोलते हैं हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटी सेल है वो क्या होती है, वो जो सब खुद काम करती है, फंक्शन करती है, वो क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, तो इसी वजह से बोलते हैं स्ट्रक्चर बॉडी को बनाने वाली और काम करवाने वाली सेल को क्या कहते हैं, यूनिट को क्या बोलते हैं, सेल बोल देते हैं। ठीक है, अब बात रही सेल। ठीक है, तो सेल की डिस्कवरी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, सेल की कुछ डिस्कवरी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, अब सेल है, ठीक है, सेल है, सेल को क्या किया कि भाई जो सेल है, सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, इस्तेमाल मार कर लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, फर्स्ट टाइम सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। कितने डिस्कवर किया था सबसे पहले सेल को, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। कितने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, और रॉबर्ट हुक कहते हैं, इसने डिस्कवर किया था कॉर्क से। किसने किया था, कॉर्क। ये कॉर्क क्या होते हैं, पुराने जमाने में क्या होती थी, जो अल्कोहल की बोतल होती थी, क्या होती थी, अल्कोहल दारू की जो बोतल होती थी, उनमें ऐसा ढक्कन लगा हुआ होता था। ठीक है, ऐसा क्या होता था, ढक्कन लगा हुआ था ऐसा, इसे बोलते हैं हम कॉर्क बोलते हैं। क्या बोल देते थे, कॉर्क बोल देते हैं, जो कि क्या होता है, एक लकड़ी का होता है, क्या होता है, लकड़ी का होता है। उससे क्या कहते हैं, इसने उस सेल को, इस सेल को डिस्कवर किया, फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक। अब जब उसने क्या किया कि सेल को देखा था, क्या देखा था, सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने, सबसे पहले सेल को देखा तो उसको ऐसे दिखाई देगी,
ऐसा करके उसको छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई दिए, करके बॉक्सेस दिखाई दिए। और उनको क्या है जो रॉबर्ट होते हैं, रॉबर्ट हमने उनको क्या बोला, हैला। क्या बोला था उनको रॉबर्ट हमने, सैला बोला था। क्या बोला था उनको, सहला बोला था, जिसका अर्थ, जिसका सैला का अर्थ होता है क्या, लिटिल रूम क्या होता है, लिटिल रूम, लिटिल रूम होता है। और सैला बेड से क्या मिल गया फिर हमको, सैल मिल गया। क्या मिल गया, सैल मिल गया। ठीक है, तो ये तो बात नहीं करती सैल की डिस्कवरी के बारे में, जो कि क्या नाम है रॉबर्ट हुक ऐसा हनीकॉम लाइक दिखता था। हनीकॉम का डसा मधुमक्खी छत्ता, मधुमक्खी छत्ते में ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, तो क्या है कि सैल है तो क्या करते हैं इसमें, इनको क्या बोलते हैं छोटे छोटे कमरों को, सैला का नाम दिया था। और सैला से क्या बना, सेल। अब सैला वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लेकिन रूम होता है। ठीक है, अब सैल के नाम हम पहली बार देखो, इसने क्या डिस्कवर किया था। ठीक है, इसने क्या डिस्कवर किया था, तो इसने क्या हुआ शब्द सैल डिस्कवर, डेड सेल। किसको डिस्कवर किया था, एक मरी हुई सेल को डिस्कवर किया था। किसने, रॉबर्ट हुक ने मरी हुई सेल को डिस्कवर किया, जिंदा सेल नहीं थी। ठीक है, जिंदा सेल नहीं थी। ठीक है, ये क्या थी, डेड सेल थी। ये क्या थी, डेड सेल थी। तो फिर वहां एक क्वेश्चन आता है कि लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाला कौन था। ठीक है, तो इसे देखो, फर्स्ट टाइम लिविंग सेल। ठीक है, फर्स्ट टाइम सेल बोले रॉबर्ट हुक, जब फर्स्ट टाइम लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड बाय, फर्स्ट टाइम लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। ठीक है, एंटोनी वॉन लेवेनहॉक, एक नाम याद रखने का इंपॉर्टेंट है। एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने क्या किया, तो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था। क्या किया था, फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, वाइल्ड एनिमल। क्या रखा था उसका नाम, वाइल्ड एनिमल क्यूल रखा था। ठीक है, तो क्या इसके नाम है, आज हमने देखा सेल को, सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब तो नाम इसको डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक ने, जो कि क्या थी डेड सेल थी। फिर बाद में उसने लिविंग नाम क्या किया, उसको लिविंग सेल को डिस्कवर किया। ठीक है, इसी के साथ में आज के लेक्चर खत्म करते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, और आगे की तरफ बढ़ेंगे। हम देखेंगे एंटोनी वॉन लिविंग हुक ने सेल को डिस्कवर कैसे किया था। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, धन्यवाद।